हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम वंस अगेन, मोस्ट वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बाई डॉक्टर संजय सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, सुब्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी, अर्गुपुर कलान, जौनपुर। इन प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू डिटेल अबाउट व्हाट इज द सीड, टाइप ऑफ सीड एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ सीड। टूडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज द डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी मीन्स, अगर हिंदी में उसको अगर देखा जाए, सुसुप्तावस्था, मतलब उस ऐसा कंडीशन जिसमें सीड कोई भी वर्क नहीं करता, दैट इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी। तो अगर उसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोला जाए, इन एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, इन एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो कि इनसाइड द सीड्स एम्ब्रियो आर प्रेजेंट्स, उसके अंदर एम्ब्रियो होती है, ध्यान देना। और जो एम्ब्रियो होती है, नो एनी वर्क, नो एनी एक्टिविटी हैपन एट दिस टाइम, क्या होगा? सीड इज नॉट एबल टू ग्रो, मतलब वह ग्रो करने की एबिलिटी नहीं होती है, टेम्पररी। मीन्स दूसरे लैंग्वेज में इसको कहा जाए, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेम्पररली अरेस्टेड, नॉट परमानेंटली, temporarily arrested, that is known as seed dormancy. It means ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें एम्ब्रियो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर टेम्पररली अरेस्टेड ड्यू टू सम रीजन्स। उसका रीजन भी मैं बताया कि वाई द सीड डॉर्मेंसी फाउंड इन द सीड, क्यों ये पाया जाता है, क्या ऐसा रीजन होता है कि सीड ग्रो नहीं कर पाता, सीड इज नॉट एबल टू ग्रो। अब यह बात आती है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डॉर्मेंसी, क्या कॉजेज ऑफ डॉर्मेंसी? नंबर वन, सीड कोट बिकम हार्ड, द आउटर सीड कोड बिकम हार्ड, काफ़ी वह थिक हो जाती है, देयर फोर क्या होगा, इम्परमिएबल टू, दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर, मतलब वह ऐसा कंडीशंस बन जाता है कि इस कंडीशंस में न तो सीड के अंदर वाटर्स बाहर जा पाता, न तो बाहर से अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है, न तो कोई गैस डिफ्यूज हो पाते हैं। तो विदाउट वाटर्स सीड नेवर जर्मिनेट, ठीक है, ये ध्यान देना, कभी भी नो जर्मिनेट है, बिकॉज ऑल द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मतलब सीड कोट काफ़ी हार्ड हो जाता है, इस कारण से वो परमेबिलिटी को शो नहीं करता है वाटर एंड गैसेस के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डॉर्मेंसी, प्रेजेंस ऑफ सीड इनहिबिटर्स, ये सीड इनहिबिटर्स ऑन सीड, ये सीड के ऊपर ये पाए जाते हैं, जिसके कारण से सीड को जर्मिनेट नहीं करने देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इमैच्योर एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो इमैच्योर होती है। इट मीन्स एम्ब्रियो तभी वह ग्रो कर सकता है एक न्यू प्लांट में, व्हेन, जब एम्ब्रियो कंटेन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट मीन्स उसके पास रेडिकल एंड प्लीम्यूल बोथ आर डेवलप्ड, अगर ये दोनों में होता है
तभी ही वो अपने एक नए प्लांट बनेगा। इफ बोथ आर अनडेवलप्ड आर एब्सेंट एट द डारमेंसी पीरियड। तो ये क्लियर आपको हो गया व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डारमेंसी, डारमेंसी के क्या कारण हैं जिसके कारण से वह सीड की एबिलिटी मतलब वायबिलिटी होते हुए भी सेड हैविंग जर्मिनेशन एबिलिटी बट एट द सम टाइम सीड डू नॉट ग्रो। क्यों ग्रो नहीं करता है, सम रीजन्स आर मेंशन हियर। अब ये बात आती है कि अगर हम डारमेंसी को ब्रेक करना चाहें, अब वो डारमेंसी पीरियड में है, क्या एक तो होता है नेचुरल जो पीरियड होता है आफ्टर डारमेंसी सीड्स आर जर्मिनेटेड, वो नेचुरल प्रोसेस हुआ। अगर हमको इस समय डारमेंसी वो पीरियड में है, सीड को हमको जर्मिनेट कराना है सेम टाइम डारमेंसी के टाइम, तो क्या सीड डारमेंसी कैन बी ब्रेक आर्टिफिशियली? यस, सीड डारमेंसी कैन बी ब्रेक आर्टिफिशियली। उसके साथ हम ब्रेक करते आर्टिफिशियली आफ्टर दैट सीड्स आर जर्मिनेटेड। अब ये कहने की वो कौन कौन सी मेथडोलॉजी होगी जिसमें हम सीड डारमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, तो नंबर तो यहाँ पर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे सीड डारमेंसी कैन बी ब्रेक कैन बी ब्रेक आर्टिफिशियली। नंबर वन पॉइंट स्कैरिफिकेशन मीन्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट जो हार्ड था उसको सॉफ्ट बनाना, सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट। अब ये सॉफ्टनिंग किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ नाइफ, या तो हम उसको नाइफ के द्वारा कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर से उसको हम थोड़ा सा उसको ऐसे रगड़ेंगे तो उसकी सीड कोट जो होती है वह थिन हो जाती है। एंड द थर्ड यूज एसिड और एल्कोहल। तो थ्री आपने देखा मेथोडोलॉजी यूज आई स्कैरिफिकेशन। तो अगर वह डारमेंसी पीरियड में है, उसका सीड कोड हार्ड है, तो सीड कोड जो होता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ और सैंड पेपर और एसिड और एल्कोहल सीड कोड आर ईजिली क्या करता है, उसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड स्टॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है ट्रीट टेम्परेचर। यहाँ पर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं, ट्रीट टेम्परेचर्स की बात होती है, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सीड को ट्रांसफ़र इन वार्म टेम्परेचर। पहले हम सीड को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सीड ट्रांसफ़र इन वार्म टेम्परेचर। और वो जो टेम्परेचर होगा वह है आपका 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर दैट्स फॉलोड, इसके बाद जो होता है सीड ट्रांसफ़र इन कोल्ड टेम्परेचर्स 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो देयरफॉर सीड बिकम जर्मिनेटेड। क्लियर, तो हम अलग टेम्परेचर का ट्रीटमेंट कर भी हम सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द रिमूवल ऑफ सीड इनहिबिटर जो हमने बात उसमें किया था कॉजेज में बाई वाटर्स एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि उसको अगर आप बार बार देखो, बारिश के दिनों में मोस्ट ऑफ द सीड्स आर जर्मिनेटेड। वाई, तो जो भी जर्मिनेटर उसके ऊपर प्रेजेंस होते हैं हैवी रेनफॉल और उसको वाटर का प्रेशर देते हैं, देयरफॉर सीड जर्मिनेटर्स आर टोटली क्या होगा, रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सीड। आफ्टर दैट सीड्स आर जर्मिनेटेड। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हार्मोनल ट्रीटमेंट
हार्मोनल ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें कि टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स आर यूज्ड, हम यूज्ड करते हैं फॉर ब्रेक द डॉर्मेंसी, वन इज द ऑक्जीन एंड सेकेंड इज द जिब्रेलिन. ऑक्जीन एंड जिब्रेलिन टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स आर यूज्ड इन ईयर बाई विच सी डॉर्मेंसी कैन बी इजली ब्रेक कर सकते हैं. तो ये द फोर इम्पॉर्टेंट्स स्टेप्स आर नॉट स्टेप ये द फोर इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी यूज फॉर ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड बाई आर्टिफिशियल मेथड. अभी बात आती है कि वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी, क्यों वो डॉर्मेंसी पीरियड में जाता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा. तो अगर सिग्निफिकेंस पॉइंट सीड डिस्पर्सल की जो बात आती है, मोस्ट ऑफ द सीड्स दे आर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, इंडिया टू चाइना. तो इनमें काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है. अगर वो डॉर्मेंसी पीरियड इज द वेरी गुड पीरियड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि उसमें वो जर्मिनेट नहीं करेगा, सीड डैमेज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और उसको हमको पैसे अच्छे मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज द सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस. ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस होता है. यहाँ पर क्या होता है, डॉर्मेंट इम्ब्रियो, जो डॉर्मेंसी वाला इम्ब्रियो है, डॉर्मेंट इम्ब्रियो रिज्यूम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिज्यूम्स कर लेती है. आफ्टर दैट प्रोड्यूसेस सीडलिंग दैट इज नोन एज सीड जर्मिनेशन. ध्यान देना, हमने कहा आफ्टर डॉर्मेंसी, एक टेम्परली कुछ समय के लिए डॉर्मेंसी होती है. आफ्टर डॉर्मेंसी सीड्स आर जर्मिनेटेड, इट मीन्स एट द डॉर्मेंसी पीरियड ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन साइड द सीड्स आर टेम्पररली अरेस्टेड एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कि डॉर्मेंट इम्ब्रियो रिज्यूम्स, जो मैंने लॉस कर दिया था टेम्पररली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटी हैपन इन साइड द सीड्स, शुरू हो जाती है. आफ्टर दैट इम्ब्रियो बिकम मैच्योर हो जाता है एंड देन प्रोड्यूस ए स्मॉल सेल्डिंग दैट इज नोन एज स्मॉल प्लांट्स में वो प्रोड्यूस करता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड जर्मिनेशन, द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. फेवरेबल कंडीशंस आर नेसेसरी, तो वो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो वह क्या हो सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर adequates O2 supply as well as proper nutrients. ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सीड जर्मिनेशन. अब यह बात आता है कि थोड़े मैं मैकेनिज्म की बात बताऊं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या होगा, सीड एब्जॉर्ब वाटर then seed swell up absorb water by imbibition pathway. ध्यान देना, ये बहुत important, ये pathway होता है, absorb the water molecule at the surface of the seed. After that seed becomes swell up, वो फूल जाता है. जैसे भी आपने देखो grams को पानी के अंदर डालते हो तो swell up हो जाता है. जब वो जैसे ही water entry करता है, ध्यान देना, after that All hydrolytic enzyme inside seed
इनसाइड सीड बिकम एक्टिव, क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। आफ्टर दैट क्या करेगा, जो सीड के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, ये जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे आर ब्रेक डाउन टू सिंपलर फॉर्म दैट इज नोन एज ग्लूकोज एंड माल्टोज। ठीक है, मैं वो कन्वर्ट हो जाता। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो कंज्यूम्स किसको कंज्यूम कर रहा है, ग्लूकोज एंड माल्टोज को कंज्यूम करेगा। देन कन्वर्टेड इनटू मैच्योर एम्ब्रियो वो कन्वर्ट होगा, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो एक्सिस। एंड दिस मैच्योर एम्ब्रियो देन प्रोड्यूसेस ए स्मॉल सीडलिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आपने देखा कि वाटर्स प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बिना वाटर के सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है। कि व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल इंटर इनसाइड द सीड, जैसे जैसे यू अंदर हो जाता है ऑल द हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनसाइड द सीड बिकम एक्टिव, वह काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आफ्टर दैट ऑल द एंजाइम्स एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इन साइड द सीड, दे आर कन्वर्टेड इन टू सिंपलर फॉर्म दैट इज नोन एज ग्लूकोज एंड माल्टोज। आफ्टर दैट द एम्ब्रियो, जो इमेच्योर एम्ब्रियो प्रेजेंट इन साइड द सीड कंज्यूम द फूड मॉलिक्यूल्स, आफ्टर दैट एम्ब्रियो बिकम मैच्योर, इट कंटेंस एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाता है। और एंड आफ्टर दैट न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड, सीडलिंग्स आर डेवलप्ड। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड जर्मिनेशन। तो क्लियर हो गया। तो एनसीईआरटी में आपको एक छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है सीड जर्मिनेशन, कभी भी ये दो मार्क या एक मार्क में ही पूछा जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन के बारे में हमने बातें आपको डिस्कस किया। एंड दिस डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन से जो भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे आइदर वन मार्क और टू मार्क ही बनते हैं। नेक्स्ट इज सीड वायबिलिटी। व्हाट डू मीन्स बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सीड वायबिलिटी, पावर ऑफ सीड जर्मिनेशन एबिलिटी। ध्यान देना कि वायबिलिटी क्या हुआ, पावर ऑफ सीड जर्मिनेशन एबिलिटी इज नोन एज सीड वायबिलिटी। मीन्स एवरी सीड हैविंग ए पावर टू प्रोड्यूस ए स्मॉल सीडलिंग। मोस्ट ऑफ द सीड, सम सीड्स आर स्टराइल, डू नॉट प्रोड्यूस ए स्मॉल सीडलिंग, बट मोस्ट ऑफ द सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डेवलप्ड ए न्यू प्लांट। तो उसके अंदर वायबिलिटी, सीड जर्मिनेशन एबिलिटी की पावर होती है, दैट इज नोन एज वायबिलिटी। अब ये बात आती है नेक्स्ट पॉइंट कि सीड वायबिलिटी, अगर इसकी वायबिलिटी की हम बात करें, सीड वायबिलिटी वैरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। सीड वायबिलिटी वैरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, मतलब ये वैरी करता रहता है, एक जैसा आपको नहीं होगा। किसी की वायबिलिटी कुछ महीने हो सकती है, कुछ घंटे हो सकती है, कई साल हो सकती है। सम एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर आपको मेंशन करने जा रहा हूँ एंड ऑल द एग्जांपल्स आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स से हमने लिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज नोन एज ऑग्जैलिस, द फर्स्ट इज ऑग्जैलिस। इसकी जो सीड वायबिलिटी लॉस विद इन फ्यू मंथ। ध्यान देना कि इसकी वायबिलिटी कुछ महीनों के बाद वो लॉस हो जाएगी। अगर वापस कुछ महीनों के बाद उसको अगर आप सोन करते हो तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ध्यान देना कि ऑग्जैलिस एक प्लांट का नाम है, इट कंटेन ए सीड, द वायबिलिटी ऑफ सीड जो होती है वो कुछ ही महीने होती, आफ्टर कुछ महीनों के बाद उसकी वायबिलिटी लॉस हो रही है। दूसरा मैं एक एग्जांपल्स आपको ल्यूपिनस
सेकेंड ल्यूपिनस आर्टिकस, दे आर फाउंड इन आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन्स। और ये जो आर्कटिक रीजन्स हैं वो टुंड्रा वाला जो एरिया होता है जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा चलती है। अगर इसकी सीट की वाइबिलिटी को अगर हम देखा जाए तो इसकी जो वाइबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग जो एस्टिमेटेड 1000 ईयर्स ऑफ डार्मेंसी, अगर ऐसे लिखा जाए तो ये ज़्यादा आपको सूटेबल होगा कि एस्टिमेटेड 1000 ईयर ऑफ डार्मेंसी। तो आपने देखा सेकेंड ल्यूपिनस आर्कटिकस, दे आर फाउंड इन आर्कटिक रीजन्स दैट इज नोन एज टुंड्रा, जहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होता है। एट दिस एरिया में आप देखोगे सीड जर्मिनेशन एबिलिटी रिस्टोर 10,000 ईयर तक बना रहता है आफ्टर डार्मेंसी। हुआ डार्मेंसी में 10,000 साल तक वो रह सकता है, फिर जैसे ही उस सीड को आप सोन करोगे वो एक नए प्लांट को देता है। द थर्ड एग्जांपल्स डेट पॉम एंड फॉरिक्स डैक्टिलीफेरा। इसमें जो एस्टिमेटेड किया गया 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड ये रिपोर्टेड हुआ बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो फॉसिल्स के नीचे के बारे में जो सारी अध्ययन करते हैं वहाँ पर से उन्होंने ये प्रूफ निकाला कि ये डेट पॉम्स और फोनिक्स डैक्टिली फेरा, अगर इनको बारे में अगर हम बात किया जाए तो इनके जो सीड्स होती हैं इनकी जो वाइबिलिटी जो होती है 2000 साल पुराने सीड को भी अगर मिट्टी के अंदर डाला जाए तो सीड और जर्मिनेट कर पा रहा है। तो आपने यहाँ का तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको मेंशन किया कि ऑग्जेलिस जिसकी वाइबिलिटी बहुत ही, सीड जर्मिनेशन एबिलिटी कुछ ही महीनों तक होती है, इसके बाद वो लॉस हो जाती है। बट आपने देखा ल्यूपिनस आर्कटिकस डेट पॉम फोनिक्स डैक्टिलीफेरा, इसकी अगर हम वाइबिलिटी की बात किया जाए तो 10,000 ईयर ऑफ डार्मेंसी, 10,000 सालों डार्मेंसी रहने के बाद भी वो सीड वाइबल हो रहा है। इसी तरह से इसके बारे में अगर हम देखा जाए कि 2000 साल का भी सीड, ओल्ड सीड भी हैविंग ए कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ए स्मॉल सीडलिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करके अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ सीड इज इक्वल टू आर लेस देन नंबर ऑफ ओब्यूल। ठीक है, ये बात बता रहे हैं कि इट मीन्स कि वन ओब्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर वन सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या कभी कभी यह होता है कुछ ओब्यूल से सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। इट मीन्स अगर कोई भी प्लांट्स होता है इट कंटेन्स ए 10 ओब्यूल्स, तो उसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं सीड के, 10 हो सकते हैं या बिलो 10 हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीड इज इक्वल टू आर लेस देन नंबर ऑफ ओब्यूल्स, ये कन्फर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट द सम एग्जाम्पल, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट्स पाए जाते हैं जो एक्सेप्शनल्स में आते हैं, इट कंटेन्स ए मोर सीड देन द नंबर ऑफ ओब्यूल्स। तो एक्सेप्शन्स में अगर हम जो बात करें, एक्सेप्शन में क्या क्या आ सकते हैं, तो दो तीन एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूँगा। नंबर वन, ऑर्किड फ्रूट्स कंटेन्स थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ टीनी सीड। टाइनी सीड का मतलब होता है स्मॉल, छोटे सीड्स,
दैट इज नोन एज टाइनेट। तो ऑर्किड्स इज ए टाइप ऑफ एपीफाइट प्लांट, ये छोटे प्लांट्स होते हैं। दे प्रोड्यूसेस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सीड, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक, जैसे होते हैं माइक्रोस्कोपिक सीड, बट यहाँ पर इनके जो नंबर्स होते हैं हजारों होते हैं। द ऑर्किड कंटेंस वनली थ्री कार्पल्स, वहाँ पर तीन ही ओवल्स होंगे, बट उन नंबर ऑफ सीड क्या है, वहाँ पर क्या होगा, अंदर प्रोसेसिंग होती है जो स्प्लिटिंग होती है एम्ब्रियो का, और उसी से नंबर ऑफ सीड्स के फॉर्मेशन होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स, पैरासिटिक प्लांट्स एपीफाइट्स होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स ओरोबांची एंड स्ट्राइगा कंटेंस वेरी लार्ज नंबर ऑफ टीनी सीड। इसके पास भी बहुत ही स्मॉल सीड होते हैं, टाइनी सीड्स पाए जाते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल्स इज फिकस बरगद, में अगर हम देखा जाए तो बरगद की अगर हम बात करें तो यहाँ टू मिलियंस ओव्यूल्स बट कंटेंस 850 बिलियन सीड। आप ये देख सकते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टेड यहाँ पर भी आपको देखा जा रहा है कि इसी के इक्वल होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया, बट ओब्यूल्स से इसके नंबर्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं आर वेरी स्मॉल, दैट इज नोन एज टाइनी सीड्स। तो ये हमेशा यह जान रहा है, इन जनरल किसी भी प्लांट्स में नंबर ऑफ सीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओब्यूल्स, आर लेस देन ओब्यूल। बट इन द सम प्लांट दैट इज नोन एज, इसको एक्सेप्शंस भी हम बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ सीड इज वेरी लार्ज इन नंबर इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ ओब्यूल्स। तो यहाँ पर मैंने तीन प्लांट्स को यहाँ पर मेंशन किया, ऑर्चिड जो फ्रूट्स होते हैं कंटेंस थाउजेंड नंबर ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं, इन केस ऑफ पैरासिटिक प्लांट ओरोबांची एंड स्ट्राइगा इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स वहाँ आल्सो प्रेजेंट, इन केस ऑफ फाइकस की अगर हम बात करें जिसको हम बरगद बोलते हैं, बनियान ट्री की बारे में हम बात करते हैं, 1 to 2 million ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एंड इट कंटेंस 850 बिलियन सीड्स। इसके कंपेरिजन में कितना यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो यह जो कंटेंट होता है, दिस कंटेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये सीड वायबिलिटी आर टोटली फिनिश्ड इन हियर। तो दिस टॉपिक्स आर टुडे टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द 2 and 3 marks के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको यहाँ से ज़्यादा वो मिलते हैं। तो थैंक यू for watching this video. Have a nice day, all of you.